यारियां हैं, लेकिन यारियां से पहले जब मैं 10-11 साल पहले मुंबई आया था तो आपको मालूम ही है आरामनगर और चार बंगला यहाँ सब ऑडिशंस होते हैं, तो मैं ऑडिशंस दिया करता था और खाली टाइम में जाके हम लोग ये सामने जो इन्फिनिटी मॉल है यहाँ पे सबवे खाते थे। तो मैं ऐसे ही एक दिन थका हारा ऑडिशंस वगैरह दे के जाके सबवे खा रहा था और एक सज्जन आए और बोले कि आप एक्टर हैं। मैंने कहा हाँ सर, कोशिश कर रहा हूँ बनने की, लेकिन अभी अभी शुरुआत है, कुछ एड्स वगैरह शूट किए हैं, बाकी तो अभी कुछ खास किया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं फिल्म बनाऊँगा तो आपको हीरो लूँगा। तो मुझे लगा कौन है और ऐसा इन्फिनिटी मॉल में फूड कोर्ट में आके ऐसे कौन बोलता है। तो मैंने बोला ओके थैंक यू सो मच, आपको ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद उनसे कोई परिचय नहीं हुआ, कोई कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। और करीब 8-9 साल बाद 2018 में वी स्टार्टेड सर 19 में 2018 में मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आपको याद है आपको मैं इन्फिनिटी मॉल में मिला था। तो वो है हमारे प्रोड्यूसर उमेश राणा जी, इन्होंने अपना अपना प्रॉमिस रखा और मुझे मौका दिया इस फिल्म का पार्ट बनने का। और शंभू जी, विनय जी